हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम शिल्पी है, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं अपने फेस की क्लीनिंग करने वाली हूँ, डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप बिना पार्लर जाए घर पे ही आप अपने फेस की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं, इसकी क्लींजिंग कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी प्रोसेस है, जिसे मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग को इस प्रोसेस को जानना है तो मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा एंड तक। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे कच्चे मिल्क का यूज़ किया है, यानी कि कच्चा दूध। इसे एक कॉटन से मैंने डिप करके अपने फेस पूरे फेस पे अप्लाई किया है। इससे मेरा जो फेस है वो बहुत ही अच्छा से साफ हो जाएगा, क्योंकि रॉ मिल्क जो है वो क्लींजिंग का काम करता है और बहुत अच्छे से फेस को क्लीन कर देता है। और अब मैं एक टॉवल की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लूंगी। अगेन अब बारी आती है अंदर से डीप क्लीनिंग की बारी आती है, तो हमारे फेस पे जो भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं उन्हें क्लीन करने की बारी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हिमालय का स्क्रब लिया है। आप चाहे तो अपने फेस के अकॉर्डिंग जो आप स्क्रब यूज़ करते हैं उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हिमालय का फेस स्क्रब का यूज़ किया है, ये मेरे फेस को सूट करता है, इसलिए ये मैं खुद यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो किसी भी स्क्रब का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो होममेड स्क्रब को भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से अपने फेस पे चारों तरफ अप्लाई करना है, थोड़ा सा रगड़ते हुए। जहाँ जहाँ आपको वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है वहाँ ऐसे हैंड से अप्लाई करना है इसे। तो बस मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया है और एक टॉवल की हेल्प से अपने फेस को पोंछ लिया है। अब बारी आती है डीप क्लीनिंग की, तो इसके लिए मैं अपने फेस को स्टीम करूँगी। इसके लिए मैंने इसे लिया है। अगर आपके पास इस तरह के स्टीमर नहीं है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो थोड़े सा गर्म पानी में एक छोटे से टॉवल को डीप करके अपने फेस पे उसे रख लीजिए। अगेन थोड़ी देर में उसे हटा लीजिए तो भी आपका जो स्टीमिंग का प्रोसेस है वो हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे चारकोल फेस वॉश को अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस को क्लीन करने के लिए। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ही फेस वॉश अप्लाई कीजिए जो आपके फेस को सूट करता हो। फेस वॉश अप्लाई करने से जो भी हमारे स्टीमिंग के प्रोसेस के दौरान जो भी बचे खुचे डर्ट्स वगैरह, जो भी ओपन पोर्स की जो गंदगी है वो क्लीन हो जाएगी अच्छी तरह से। और अब मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और अब एक अच्छा सा फेस मास्क को अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स की टी ट्रीज क्लीनिंग फेस मास्क को अप्लाई किया है। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग जो आपके फेस को सूट करता हो, जो आपको पसंद हो, उस फेस मास्क को अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी सूखने के लिए। इसे पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है, जब ये थोड़ी थोड़ी गीली रहेगी तभी इसे हाथ से अच्छी तरह से मसाज करते हुए इसे वॉश कर लेना है। तो अब ये ड्राई हो चुकी है और अब मैं अपने फेस को अच्छी तरह से पानी से क्लीन करके आती हूँ। तो मेरा फेस जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है, ये देखिए। और अब बारी आती है टोनिंग की, तो इसके लिए मैंने यहाँ रोज़ वाटर लिया है। इसे मैंने एक कॉटन में लिया है और इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँ। आप चाहे तो यहाँ टोनर का भी यूज़ कर सकते हैं।
लीजिए, मेरा जो फेस क्लीन अप है वो कंप्लीट हो चुका है और मेरा फेस बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। और अब बारी आती है एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की। तो मैंने अपने यहाँ अपने फेस के अकॉर्डिंग यहाँ मॉइस्चराइज़र को पिक किया है और उसे अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, या सेंसिटिव स्किन है, या फिर ड्राई स्किन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप मॉइस्चराइज़र आप चुनिए और उसे अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। क्योंकि सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो सर्दियों में जो हमारी स्किन है वो बहुत ही ड्राई हो जाती है, तो उसे लॉक करने के लिए, नमी को लॉक करने के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ज़रूरी है। क्लीन अप का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर यूज़फुल लगा हो तो इसे ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हो सके तो मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।